अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज हम गाना शूटिंग वाल की तरफ से आपके पास एक नए स्पीकर्स लेके आए हैं, मिनी स्पीकर म्यूजिक। ये ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं और आपके किसी भी मोबाइल डिवाइस आप ट्रैवलिंग के लिए या आप पार्टी वगैरह के लिए यूज़ करना हो तो ये मिनी स्पीकर बड़ा अच्छा काम देता है। सबसे पहले इसके बॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं। बॉक्स का रिव्यू क्या है, ये है म्यूज़िक मिनी स्पीकर्स और एक आप इसके बॉक्स देखिएगा कि बॉक्स में क्या क्या है। ये सपोर्टिंग है, ये किस किस को सपोर्ट करता है स्पीकर, ये आप इस स्पीकर से फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और ये सारा इसको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें मिनी माइक्रो कार्ड डालें तो उससे भी आप अपना म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें ये और भी है जी सॉन्ग्स, ये न्यू लार्ज है और डिलीवर सॉन्ग्स है, सुपर सॉन्ग्स है, अच्छा ये वाला है जो स्पीकर ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशन का भी देख लेते हैं कि स्पीकर्स की स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस में उसने लिखा हुआ है जी, ये आप वर्किंग रेंज है 10 मीटर तक ये ब्लूटूथ को सपोर्ट करेगा अगर आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं और ये स्पीकर आपने 10 मीटर की रेंज तक रखा हुआ है तो वहाँ तक आपको ये सपोर्ट करेगा। इसका वर्किंग टाइम क्या है कि अगर एक मतलब आप इसको चार्ज कर लेते हैं तो ये 5 घंटे तक इसकी वर्किंग टाइम है, 5 घंटे तक ये सपोर्ट करता है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने डिमेंशंस लिखी हुई हैं कि इसका साइज़ क्या है, जो ये 60x60x50 mm है और उसके बाद स्पीकर्स है 50 mm का लाउड स्पीकर आउटपुट और इसकी जो स्पीकर की आउटपुट वोल्टेज है जो स्पीकर्स पे मूवमेंट लिखा होता है तो ये 3 वॉट का है जी। उसके बाद ये मज़ीद देख लेते हैं इसकी बैटरी कितनी है, इसकी बैटरी है 520 mAh की और इसकी चार्जिंग जो है ये 5 वॉट की है, 5 वॉट ये जो अमूमन मोबाइल अडॉप्टर होता है उसके साथ लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। और बैटरी चार्जिंग टाइम क्या है, इसकी बैटरी जो चार्जिंग टाइम है वो 2 घंटे है। तो आइए अब हम स्पीकर की अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके स्पीकर के अंदर क्या है। ये तो स्पीकर के सारे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इसके फीचर्स क्या हैं, स्पीकर की शक्ल क्या है और ये सारा बॉक्स के अंदर पैक आता है। तो आइए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो बॉक्सिंग में पहले हम बॉक्स को खोल लेते हैं। वाओ, बॉक्स को खोल लिया, सबसे पहले इसकी निकली हमें ये वाली केबल, चार्जिंग केबल जो इसे आप चार्ज कर सकते हैं। एक साइड पे आप अडॉप्टर लगा लें और दूसरी साइड पे ये स्पीकर के अंदर लग जाएगी जिससे आपका स्पीकर चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखते हैं, हाँ ये बाकी बॉक्स खाली है। वाओ, इट्स अमेजिंग, ये जो स्पीकर की लुक है, मिनी स्पीकर्स की लुक है। और ये देखिएगा कि इसमें मुख्तलिफ करेक्टर्स आते हैं, एक सिल्वर ग्रे है, गाड़ी वाला करेक्टर है और इसके अलावा ये इसमें क्या क्या है ये भी देखते हैं। ये इसकी वो साउंड बार है, ये रखने के लिए है ये स्पीकर। उसके बाद देखते हैं कि इसके बटन्स में क्या क्या है। इसके बटन्स में ये ऑन ऑफ है, ये चार्जिंग बार है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। आपने एक साइड पे इसको यूं इंसर्ट करना है, हाँ, और दूसरी साइड से इसको अडॉप्टर को चार्ज कर ले लगा लेना है। एक तो ये हो गया, फिर इसका ये ऑन ऑफ है। ये इसमें SD मिनी कार्ड को भी सपोर्ट करता है, अगर आपके पास मोबाइल कार्ड है जिसमें सॉन्ग्स वगैरह है तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। ये मिनी, ये देखिएगा ये मिनी, इस पे मिनी कार्ड्स भी लग जाता है। ये ज़रा क्लोज कीजिएगा, ये मिनी कार्ड लगाने के लिए। इसके अलावा ये USB को भी सपोर्ट करता है, अगर आपके पास USB है जिसपे आपने सॉन्ग्स, वुमन सॉन्ग्स USB में लोगों ने रखे होते हैं, अगर आपके पास सॉन्ग्स हैं USB में तो ये USB सपोर्ट है। आप एक साइड पे USB लगाएंगे तो जो USB के अंदर सॉन्ग्स होंगे वो उसमें डिस्प्ले होना शुरू, वो चलना शुरू हो जाएंगे और आप म्यूज़िक को आप। और उसके बाद ये है इसका वॉल्यूम, हाँ, जिससे ये आप वॉल्यूम लो और हाई कर सकते हैं। ये इस तरफ है और दोनों तरफ ये व्हीलर वॉल्यूम लगा हुआ है लो और हाई के लिए। आइएगा अब इसकी डिमेंशंस भी मेजर कर लेते हैं कि इसकी डिमेंशंस कितनी है, कि ये किस साइज़ में है। ये पॉकेट स्पीकर है, आप इसको इजीली पॉकेट में डालकर ले जा सकते हैं। और ट्रैवलिंग स्पीकर है, बच्चों को एक म्यूज़िक पार्टी के लिए, आपके पास आपने बर्थडे अरेंज की हुई है, छोटी सी म्यूज़िक पार्टी है बच्चों ने, इसके लिए यूज़ होता है। और इसका साइज़ क्या है, इसकी साइज़ की डिमेंशंस कर लेते हैं। ये आलमोस्ट इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच के करीब है और इसकी हाइट जो है, हाइट को भी मेजर कर लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। तो ये हाइट भी आलमोस्ट 2 इंच के इक्वल ही है। तो 2 इंच बाय 2 इंच मतलब मिनी सा ये स्पीकर है, आप पॉकेट में डालकर, अपने बैग में डालकर इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक हैंडी डैंडी स्पीकर है, इसको पोर्टेबल है, किसी जहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। तो आइए आज अब इसको ऑन करके चेक करते हैं कि इसको ऑन करने के बाद इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो ये स्विच इसका ऑन ऑफ है, इसको अगर आप क्लोज़ कीजिएगा ज़रा कैमरे वाले भाई, इसको क्लोज़ कीजिएगा, हाँ जी, ये ऑन ऑफ स्पीकर, इसका ऑन ऑन ऑफ स्विच है। इसको अभी ऑन करके चेक करते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। गुड, दीजिएगा इसमें
नहीं जी, इसने ऑन करके बता दिया है कि ये ऑन हो गया है। एक तो इसकी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दी है, दूसरा उसने कहा जी ये ब्लूटूथ मोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स है और इसकी क्या आवाज़ है। ले जी, स्पीकर्स को हमने ऑन कर लिया है और अब ये कह रहा है ब्लूटूथ मोड में है। तो इसको हम अपने मोबाइल के साथ अटैच करके चेक करते हैं कि मोबाइल के साथ, एक तो ये तरीक़ाकार है कि मोबाइल के साथ आपने इसको अटैच कैसे करना है। आपने अपने मोबाइल में जाना है, ये मोबाइल की ज़रा स्क्रीन कैमरे वाले भाई दिखाइएगा, मोबाइल में जाना है और मोबाइल में आपने ऐसे इसके ब्लूटूथ मोड को ओके करना है। जब ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो ये ब्लूटूथ ये सर्च पे जाएगा, सर्च पे जब जाएगा तो ये अवेलेबल डिवाइस देखें बीटी स्पीकर्स आ गया है। बीटी स्पीकर को आप जब क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ ये देखें पेयरिंग ले रहा है, नहीं ये पेयरिंग उसने मैसेज दे दिया है कि पेयर विद बीटी स्पीकर ओके। अब ये आपका मोबाइल जो है ना, हाँ जी ये स्पीकर के साथ अटैच हो गया है। अब इस पर हम म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं कि इसका म्यूज़िक जो है ना जी वो इसके साथ अटैच है। तो म्यूज़िक में जाते हैं जी, म्यूज़िक में इसकी हम गए ये बोले नहीं जी, एक म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं और फिर स्पीकर की साउंड को भी चेक करते हैं कि कैसी है। ये म्यूज़िक आपने प्ले कर दिया, और इसके म्यूज़िक के वॉल्यूम को जब आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो म्यूज़िक के वॉल्यूम को आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ना जी, ये जितना मोबाइल एक तो मोबाइल से कंट्रोल होता है उसका फुल वॉल्यूम है, ठीक है जी। और उसके बाद ये देखिए इसका ये इसके लिए दूसरा रिवर्स और नेक्स्ट फोन प्ले करने के लिए वाला स्विच है, और ये इसकी आप आवाज़ सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा कि इसकी आवाज़ कैसी है। आप वॉल्यूम स्लो करके देखते हैं, इसमें आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम स्लो भी कर सकते हैं। जिसका मोबाइल से आप वॉल्यूम कम करेंगे इसका स्पीकर्स का वॉल्यूम कम होता जाएगा। लीजिएगा, ये थी आज की हमारी अनबॉक्सिंग इस मिनी स्पीकर्स की। इस मिनी स्पीकर्स की हमने अनबॉक्सिंग की है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये मिनी स्पीकर की अनबॉक्सिंग बड़ी पसंद आई होगी। और ये बड़ा ही सस्ता सा स्पीकर है, अंडर 500 इसकी वैल्यूज़ है। अगर इसको आप बाय करना चाहते हैं तो ये राना शॉपिंग मॉल पे अवेल है, वहाँ से आप इजीली बाय कर सकते हैं। 500 से लेस देन ये स्पीकर है और ये बच्चों के लिए बड़ा फ़न का बाइस है, आप बच्चों के साथ फ़न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आज की अनबॉक्सिंग को क्लोज़ करते हैं इस वीडियोस को, कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आएगी। और इंशाल्लाह अगर आपकी ये अनबॉक्सिंग पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहे, लेटेस्ट वीडियो को आप इंजॉय करते रहें। ओके।